गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स कम, वी विल कंटिन्यू आवर लेसन। अगर कोई पिछला वीडियो नहीं देख पाए तो कृपया देख लें और कहानी को समझने की कोशिश करें। सो स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द टेक्स्ट नाउ। द होल क्लास लुक्ड एट रघु। दे कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट वॉज रॉन्ग। क्लास के पूरे बच्चे रघु को देखे, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या गलती था। व्हाट इज द मैटर रघु, आर यू ऑल राइट? मैटर मीन्स मामला। टीचर कहती हैं, रघु क्या मामला है, आप ठीक हैं ना? देर इज बीन अ मिस्टेक मैम, दिस इज अ मैथ्स पेपर। तो रघु बोले, यहाँ एक गलती है मैम, यह मैथ का पेपर है। द टीचर स्पोक काइंडली टू रघु। तब टीचर बहुत ही नम्रतापूर्वक रघु से बोली। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड एट रघुस वर्ड्स। क्लास के सारे बच्चे रघु के शब्दों पे आश्चर्य किए। ऑफ कोर्स इट्स मैथ, टुडे इज द मैथ्स एग्जाम। टीचर बोली, बेशक यह मैथ है। ऑफ कोर्स मीन्स बेशक, आज मैथ के एग्जाम है। रघु, नो नो इट कांट बी, टुडे इज द इंग्लिश एग्जाम। रघु बोले, नहीं नहीं ये हो नहीं सकता, आज इंग्लिश का पेपर होना चाहिए। आई थिंक यू हैव मिक्सड अप द डेट्स, डिड यू चेक द डेट शीट? टीचर आगे बोलती हैं कि नहीं, मैं सोचती हूँ कि आप परीक्षा के टाइम टेबल देखने में मिक्स्ड अप किए, उनके डेट को गलत देखे हैं। क्या आप टाइम टेबल को चेक किए? रघु बोले, यस मैम आई हैड चेक्ड इट दिस मॉर्निंग। हाँ मैम, आज ही सुबह तो मैंने चेक किए थे। टुडे वी वेयर सपोज टू हैव आवर इंग्लिश एग्जाम। और आगे बोलते हैं रघु कि आज संभवतः हमारी इंग्लिश का पेपर होना चाहिए। रघु वॉज इन टीयर्स, ही डिडंट नो व्हाट टू डू, ही जस्ट स्टेड एट द पेपर। रघु के आंखों में आंसू आ गए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। वह पेपर को देखने लगे। रघु, डोंट बी सो अपसेट, रीड द क्वेश्चंस, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ देम। तो टीचर उन्हें समझाते हुए बोलती हैं, रघु इतना दुखित मत होइए, सवालों को अच्छे से पढ़िए और मुझे विश्वास है कि अधिकांश सवालों का जवाब आप दे सकते हैं। रघु बोलते हैं, बट आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर इंग्लिश टुडे। रघु बोले, लेकिन मैं तो इंग्लिश का तैयारी किया। आगे टीचर बोलती हैं, वेल द इंग्लिश एग्जाम इज टुमारो। ठीक है, इंग्लिश का पेपर कल है। रघु वॉज टोटली कन्फ्यूज्ड एंड कुडंट थिंक क्लियरली। रघु पूरी तरह से उलझनमित हो गए और वो सोच नहीं पा रहे थे। वट इफ आई डू बैडली,
in maths. It was supposed to be the English exam today. क्या यदि मैथ का पेपर में मैं ख़राब कर दिया तो? और आज संभवतः इंग्लिश का पेपर होना था. रघु केप्ट ऑन स्पीकिंग टू हिमसेल्फ. तो रघु अपने आप में बातें कर रहे थे. इट वॉज सपोज टू बी इंग्लिश टूडे. आई नो इट वॉज सपोज टू बी इंग्लिश टूडे. और रघु अपने में बोलने लगते हैं, बेशक आज इंग्लिश का पेपर होना चाहिए, बेशक आज इंग्लिश का पेपर होना चाहिए. तो स्टूडेंट्स, स्टोरी को आप लोग समझ रहे हैं ना? वास्तव में रघु सपना देख रहे हैं. ये रियल नहीं है, ये सपना है. और इस तरह कई बच्चों के साथ या कई लोगों के साथ होता है. रघु's मदर नोटिस्ड हिम किकिंग अराउंड इन हिज बेड मटरिंग समथिंग. और उनकी माँ रघु को देख रही थी कि वे बिस्तर में लेटे लेटे अपने हाथ पैरों से लाथ रहे थे और बड़बड़ा रहे थे. मटरिंग मीन्स बड़बड़ाना. ओके, रघु वेक अप, यू मस्ट बी हैविंग अ बैड ड्रीम, वेक अप. तब उनकी माँ बिस्तर के पास गई और उन्हें बोली, रघु उठ जाओ, यू मस्ट बी हैविंग ए बैड ड्रीम. और शायद तुम सपना देख रहे हो, उठ जाओ. ओ मम्मी वेयर आई एम, रघु बोलते हैं उठ करके, ओ मम्मी मैं कहाँ हूँ. इन योर बेड ऑफ कोर्स, उनकी माँ बोली, बेशक आप अपने बिस्तर में हैं. रघु लुक्ड अराउंड, ही वॉज इंडीड इन हिज बेड एट होम. रघु अपने बिस्तर से रूम के चारों ओर देखने लगे और वास्तव में वो अपने बिस्तर के ऊपर थे. इट मस्ट हैव बीन अ ड्रीम, ओ मम्मी आई हैड सच ए बैड ड्रीम. रघु आगे बोलते हैं, हाँ शायद ये एक सपना था मम्मी, और ये बहुत ही बुरा सपना था, ख़राब सपना था. तब उनकी मम्मी कहती हैं, काम डाउन एंड टेल मी ऑल अबाउट इट. तो उनकी माँ उन्हें समझाते हुए कहती हैं, शांत हो जाओ और मुझे पूरी कहानी बताओ. रघु टोल्ड हिज मदर अबाउट हिज ड्रीम. तब रघु पूरी कहानी को अपनी मम्मी को सुनाया. मम्मी आई ड्रीम्ड दैट आई वेंट टू द स्कूल टू अपीयर फॉर माय इंग्लिश एग्जाम. आई फाउंड दैट वी हैड द मैथ्स एग्जाम दैट डे. आई वॉज इन सच ए पैनिक. पैनिक मीन्स डर. रघु बोलते हैं, मम्मी सपना में मैं स्कूल गया था इंग्लिश का एग्ज़ाम लिखने के लिए, और वहाँ पे मैं ये पाया कि उस दिन मैथ का पेपर था और मैं बहुत डर गया. ओ यू पुअर बॉय, हैव यू फॉरगॉटन, योर एग्ज़ाम्स आर ओवर, टुडे इज़ योर फर्स्ट हॉलीडे, रिलैक्स एंड एन्जॉय योर हॉलीडे. तो उनकी माँ उन्हें बोलती है, ओ बेचारा बच्चा, बेचारा लड़का, आप भूल गए क्या, आपकी परीक्षाएं ख़त्म हो चुकी हैं, ये आज का, ये आपका हॉलीडे का पहला दिन है, तो आप
रिलैक्स हो जाइए और अपने हॉलीडे का एंजॉय कीजिए. ओके स्टूडेंट्स, डिड यू अंडरस्टैंड? सो दिस वॉज द स्टोरी एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन. थैंक यू.